जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों नमस्कार। और पानी की समस्या को लेकर कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना देके बैठे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जनता विभाग मुर्दाबाद, 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 जनता विभाग मुर्दाबाद। क्या समस्या है आप लोगों की? देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 6, 7, 8 आज पानी की समस्या से बहुत ज़्यादा त्रस्त है। इनको कई बार जलदाय विभाग को कई बार हमने इस मामले का संज्ञान दिलवा चुके हैं, लेकिन इनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। इस कारण से आज मजबूर होकर के वार्ड वासियों को यहाँ पर आकर के बैठना पड़ रहा है और हमारी ये मांगे हैं कि वहाँ पर जल्द से जल्द पानी की जो आपूर्ति है वो पूरी करवाई जाए, पाइपलाइनों को बिछाया जाए। अभी तक आज मैंने सुबह ठेकेदार को फोन किया, अभी तक टैंकर नहीं पहुंचा हमारा पानी का टैंकर नहीं पहुंच रहा है, पानी का टैंकर तक नहीं। इतनी ज्यादा विषम परिस्थितियों में लाइट भी नहीं आ रही है, तो क्या है कि वो पानी नल भी नहीं आ रहा है। तो मैंने सुबह फोन कर दिया तो ठेकेदार ने अभी तक टिप्पा नहीं भेजा। धरने से बैठने से पहले एक बार अधिकारियों से मुलाकात करते तो अधिकारियों को हमने फोन कर दिया, एक्शन साहब से बोल दिया, एसडीएम साहब से बोल दिया है, लेकिन कोई बात नहीं हुआ। एसडीएम साहब का काम थोड़ी है, ये तो जलदाय विभाग के अधिकारियों से जलदाय विभाग हमसे बात कर रही, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन से बोला था। मैं से साहब कब तक बार बार फोन करता, अच्छा नहीं लगता है, तो आप एक बार बोल दो। एसडीएम साहब ने भी बोल दिया तो हेलो जलदाय विभाग, वार्ड नंबर 5 और 6 के लोग ये धरना दे रहे हैं पानी के लिए, पानी की समस्या के लिए। और इनका कहना है इनका जलदाय विभाग को कई बार हमने संज्ञान दिलवाया है कि 6, 7, 8 में पाइपलाइन बिछाना बहुत आवश्यक है, कब तक ये टैंकरों से आपूर्ति की जाएगी, लेकिन इन लोगों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। ये ऐसा उचित नहीं समझ रहे कि वहाँ पर पानी पहुँचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जलदाय विभाग जो है ये एक विशेष प्रकार के जो जनप्रतिनिधि है उनसे प्रेरित है, और जब जनप्रतिनिधियों को वोट की आवश्यकता होती है तब तो वो हाथ जोड़ जोड़ करके घरों में पहुंचते हैं, लेकिन जब जनता की समस्या की निराकरण की बात आती है तो वही जनप्रतिनिधि कहीं और जा करके बैठते हैं। तो मेरा उन सभी जनप्रतिनिधि तो काफी प्रयास कर रहे हैं, काफी बार इनको लताड़ भी लगाई पानी के जलदाय विभाग के अधिकारियों को, लेकिन क्योंकि एक साथ में काम भी चल रहा है, काम भी चल ही रहा है। हाँ, उसका कोई बात नहीं है, जब जाते हैं, जब भी जाते हैं ये बोलते हैं हमने पाइपलाइन बिछा दी है, जब कॉलोनी में पूछते हैं तो यहाँ तो वार्ड नंबर 6 में 7 में 8 में पाइपलाइन संपूर्ण जगह पर पाइपलाइन बिछा रखी है, लेकिन सर जो मुख्य मार्ग है उसी पर इन्होंने पाइपलाइन बिछाई है। अन्ना के जो मुख्य मार्ग से जो और जो मार्ग जा रहे हैं उन पर सर इन्होंने पाइपलाइन नहीं बिछाई है। इस संबंध में सर हम कई बार इनको ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार अपील कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। वार्ड नंबर कर देते हैं सर, कौन से वार्ड के लोग आप? सर वार्ड नंबर 8 से। वार्ड नंबर 8 7, 8 वार्ड नंबर 6, 7 के 8 लोग ये पानी की समस्या के लिए धरने पर बैठे हैं। और अमृत योजना का तो वैसे तेजी से काम चल रहा है, लेकिन समय तो थोड़ा लगेगा ही। और अभी तक प्रशासनिक अधिकारी जलदाय विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे ऑफिस टाइम कितनी बजे का है सर? ऑफिस टाइम सारे ऑफिसों का टाइम 10 बजे से स्टार्ट होता है, अब टाइम कितना हो रहा है देखिए आप, 11:15 बज रहे हैं, 11:15 बजे तक यहाँ पे कोई अधिकारी बैठा नहीं है जन सुनवाई के लिए। हमने मालूम किया लेकिन तो वो कोई साइड पे काम दिखा। अच्छा एक बात बताइए, पाइपलाइन और टंकी बनवाने से पानी थोड़ी पहुँचता है? और इस बारे में कई बार इस संबंध में ज्ञापन दे चुके हैं, हर बार धरने की बोला जाता है, आश्वासन दे के छोड़ दिया जाता है, ऐसा काम थोड़ी चलता है। जनता क्या प्यासी मरेगी? और जो बात है खुल के बताओ, बोर नहीं है क्या? नहीं है बोर करवाओ जिसमें पानी की सुविधा नहीं है, नहीं तो टैंकर पहुंचवाओ। वार्डवासी 6, 7, 8 के अंदर संख्या कितनी होगी?